सोलन के बाईपास स्थित डीएवी स्कूल को जाने का रास्ता बरसात के चलते दलदल में तब्दील हो गया है, जिससे इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को आने जाने में खासी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। बच्चों के अभिभावक भी इस रास्ते से परेशान है व उन्हें अपने बच्चों की चिंता सताती रहती है। छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी इस रास्ते से आती है, लेकिन संबंधित विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते अभिभावकों में रोष है। डीएवी स्कूल के अभिभावकों ने अपना दुखड़ा बताते हुए कहा कि उनके बच्चों को स्कूल के पास से आने जाने में समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। उन्होंने नगर निगम सोलन व प्रशासन से जल्द इस रास्ते को दुरुस्त करने की मांग की है। निश्चित तौर पर बच्चों के लिए यह समस्या बड़ी विकराल है व कभी भी बच्चे इस रास्ते में गिरकर चोटिल हो सकते हैं। समय रहते जिला प्रशासन व संबंधित विभाग के अधिकारियों को इसकी सुध लेने की जरूरत है, तभी विकास के दावों की सार्थकता साबित हो पाएगी। आप खुद देख लो रोड की हालत क्या है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कई वैन्स में आते हैं, बच्चे कैसे कैसे वैन तक जा रहे हैं, हमारे खुद के कपड़े इतने ख़राब हैं। आप इतना बड़ा स्कूल अगर है तो एटलीस्ट रोड तो स्कूल वाले ठीक करवाएं ना, और दो दो स्कूल हैं, एक स्कूल नहीं है, दो दो स्कूल हैं। अब ये जो भी म्यूचुअली प्रॉब्लम है स्कूल वालों को थोड़ा करना चाहिए, क्योंकि रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब, बच्चे गिरते हैं इसमें, कितनी बार तो पेरेंट्स के पैर स्लिप होते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा रिस्की है ये बच्चों के लिए, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है। ये देखो स्कूल की हालत, ये देखो सड़क कैसे, इस पे नन्हे मुन्ने बच्चे चलेंगे कैसे, ये इसके ऊपर चलेंगे, और अगर कोई गिर जाए, अनहोनी हो जाए, स्कूल का कोई बच्चा अपाहिज हो जाए, इसका कौन जिम्मेवार होगा, या स्कूल होगा या समाज होगा या नगर निगम होगा। हम तो सबको बोलते हैं कि कुछ भी कीजिए, लेकिन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ऐसे काम मत कीजिए जिससे बच्चों का मानसिक और शारीरिक स्तर गिरे। आज अगर स्कूल की फीस एक दिन भी लेट हो जाती है, स्कूल के मैसेज वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन इस बारे में स्कूल कोई जागरूक नहीं है कि सड़क कितनी गंदी है, कितने 6-6 इंच बच्चों के पाँव नहीं बीच में जा रहे हैं। खासकर बरसात के मौसम में गिरते पड़ते स्कूटर स्कीड हो रहे हैं, गाड़ियाँ फंस रही हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, किस तरह जाएंगे। तो हमारा बस एक ही प्रार्थना है इन स्कूल ऑर्गेनाइजेशन से, कुछ इसका समाधान किया जाए, नहीं तो इस चीज़ को हम आपके माध्यम से हम पहुँचाना चाहते हैं कि लोग जागरूक करें इस चीज़ के लिए और आगे बढ़कर अपना ये रोड बने जल्दी जल्दी, ताकि बच्चे बड़े बूढ़े जो परेशान ना हो। ये जो हमारा रास्ता है स्कूल जाने के लिए, बच्चों को ले जाने के लिए, ये जानबूझ कर ख़राब कर दिया गया है, इसमें मिट्टी डाल दी गई है, ये संडे के दिन डाली गई है ये मिट्टी, आप देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है इस चीज़ को, और हमारे को बड़ी मुश्किल से आना जाना पड़ा, 3 दिन हो गए हमारे को आना जाना, बड़ा मुश्किल है सर। स्कूल से रिक्वेस्ट है कि ये जो रास्ता है, इन बच्चों को आने के लिए बड़ी भारी प्रॉब्लम होती है, और स्कूटर फंस जाते हैं, गाड़ी फंस जाती है, तो इसको जल्दी से जल्दी दुरुस्त किया जाए ताकि आने जाने में कोई। हिमाचल प्रेस न्यूज़ के लिए सोलन से जैस्मिन की रिपोर्ट।